ला के करीब ना वो आपको उस टाइम कितने का पड़ा है घर? घर मुझे तकरीबन 52 तो नग दिए थे मैंने। अच्छा। और फिर वो एक कमीशन शमीशन और फिर वो 90,000 कोई रजिस्ट्री पे। अच्छा ठीक है। और एक 2-3 लाख का मैंने उसमें काम को किया था। अच्छा। वो बोर्ड शोर्ड ख़राब थे, ऊपर स्टील के जंगले थे, सामने जंगले थे, छत ठीक नहीं थी, उस पर मैंने वो उसकी वो पेंट डली है, वो नहीं होती अपना पानी जमा होता था मतलब जगह पे, उसने ये सही नहीं की, रख रख की थी। 5 मर लिए हैं वो तो यही कह रहे थे कि ये 5.25 है। ये पीछे से ना उधर थोड़ा सा टेढ़ा है। अच्छा। इस तरह ना तो मेरे ख्याल में मुझे भी लग रहा है कि फ्रंट कितने है वैसे? फ्रंट 30-32 है। अच्छा ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में ना उसका ये साइड 48 है। अच्छा। और यार को 2 साल हो गए मैंने ना पता, ये 48 था, 47-48 और ये साइड इतना नहीं था, ये था कि आप उसे 5-6 फुट कम कर लो। अच्छा। वो साइड नहीं है वो जो ये इस तरह लंबाई में है ना, ठीक तो सामने 30-32 है। अच्छा। अब फिर इस तरह पीछे जाता है तो ये साइड 47-48 और ये 4-5-6-7 फुट कम कर लो। फिर सही है, जबरदस्त है। 4-5 फुट देखा जाए ठीक है, फ्रंट क्योंकि सही है ना, बस ठीक बन गया। और नहीं अभी तो इधर मतलब आप भूल जाओ कि बंदा खरीद ले इधर जिस जगह, ये तो बस मैं शुक्र है अल्लाह का पता नहीं किस तरह हो गया, ये जबरदस्त हो गया, ये आपका बहुत अच्छा। ये मैं आपको कह रहा हूँ पीछे हमने लिए इधर कम सेट के पीछे, तो वो कितना महंगा है देखना उस जगह और इसमें जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क है, उधर रात को बंदा जा ही नहीं सकता, हालांकि वो 10 है। ये जो है ना आपका हॉस्टल सिटी वाला एरिया जो है, बाहर से जब आप अंदर जाते हैं ना तो जब प्लाजे आते हैं ना हाँ, उनको देख के ना आपको एक दफा सोदिया याद आ जाएगा। सोदिया में आप अगर आपका इत्तेफाक हुआ है, आप गए या नहीं गए, जब जाएंगे तो आप कहेंगे ये क्या, ये तो बिल्कुल उस तरह है। यार पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी गली आपने देखी है जिसमें अंदर घुसते हुए बंदे को इस तरह नजर आए? या तो ये कि बंदा मैंने इस्लामाबाद जाए तो ये अच्छा। दूसरी बात ये है कि कमर्शियल है मुकम्मल नहीं है आप, हाँ ये तो वो स्टार्ट में किसी को पता नहीं था, उन्होंने 7 नंबर गली में घर बना लिए थोड़े से 2-3, अब वो ये चौधरी साहब ने बनाए थे, वो फिर इधर उधर उसने कश्मीरी बाबा को भेज दिया और किसी ने किसको भेज दिया, ठीक है। तो वो बस वो एक किस्मत थी ना।